अरे चलता डगरिया पीरा जाला पारे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। मैं हम देखिए बचपन से गायकी है, बचपने से शौक था, स्कूल में गाते थे, बचपने से शौक था हम गायकी करें। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिल बड़ी है हंसी है। जारी है, अपना प्रयास जारी है, अब आप लोग हैं इसके आगे। मैया शरण में तुहरा बिनती सुनावतानी, अढ़ऊल के दूगो फुलावा पौआ प चढ़ावतानी। आप लोग एक बात जानते हैं, लोग बिहार से ही क्यों वायरल होते हैं? अक्सर आप सुनते होंगे बिहार से ये बंदा जो है रातों रात गाना गा के वायरल हो गया, जेल में बंद था व्यक्ति वो गाना गा के वायरल हो गया। मतलब हर एक चीज़ जो हमें बिहार से ही देखने को क्यों मिलती है। जितने भी भारत ने IAS PCS सबसे ज़्यादा दिए हैं बिहार से दिए हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतवर्ष में जो है वैज्ञानिक हुए हैं बिहार से हुए हैं, तो जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं बिहार से हुई हैं। आखिर ये बिहार में ऐसी क्या चीज़ है जो कि बिहार में ही सब कुछ होता है, फिर भी बिहार को हम इतने पिछड़े राज्य में गिनते हैं, कहते हैं कि बिहार बिहार बिहारियों का, मतलब इस अंदाज से देखते हैं ना जिससे लगता है कि बिहार राज्य की कोई कीमत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमें बिहार के राजधानी पटना में, और बिहार की राजधानी पटना को कौन नहीं जानता, ये अपने आप में एक हाईटेक जिला है। अभी हमारे साथ देखिए शैलेश जी हैं, इनकी पहचान करा देता हूँ। ये ही बहुत ही अच्छा जो है सिंगिंग करते हैं, और इनकी आवाज़ में क्या जादू है। जब मैंने इनका गाना सुना तो मैंने सोचा कि वीडियो तो ज़रूर करूँगा मैं, क्योंकि इतने अच्छे आवाज़ इनके हैं, इतने अच्छे गाना गाते हैं। बड़ी बात यह है कि अश्लील गाने नहीं गाते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री को जो है इस टाइम अश्लील गानों से इस तरह से बर्बाद किया गया है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए कुछ बातें करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश जी स्वागत है। नमस्कार नवीन न्यूज देखे वाले भैया लोग के सबके पैरों के प्रणाम बा। यहीं से आज बहुत खुशी की बात है कि आज भैया आए हैं और इनको एक गीत गा के सुनाए तो बोलेंगे आपका इंटरव्यू लेंगे। हमने बोला ठीक है भैया आइएगा, ऐसे तो हम लोग बड़े कलाकार। आपका गीत मुझे अच्छा लगा, मैं तब बोला इंटरव्यू लूंगा। ऐसे तो आप मानते हैं, शायद हमको नहीं लगता चूंकि आजकल तो वो तो दर्शक ही बताएंगे, दर्शक बताएंगे। हाँ ये तो बात हिंदी से शुरू करेंगे या फिर पहले गाने से हम लोग सुनेंगे सीधा, तो हिंदी से या भोजपुरी से, क्योंकि बिहार जो है भोजपुरी माटी है और भोजपुरी माटी में अब आपकी मर्जी हो हिंदी से या भोजपुरी से। आइए भोजपुरी में भी सुनेंगे। तो आपने अभी बोला कि अश्लील नहीं गाए हैं, बट हमने अश्लील गाया है, आप नहीं देखे हैं अश्लील हम गाए हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जैसे लोग मांगते हैं उस तरह से हम लोग परोसते हैं। अभी एक भजन सुनाते हैं आपको, हम अपने मंदिर में बैठे हुए हैं। अरे चलता डगरिया पीरा जाला पाँव रे, बहुत अच्छा भजन है, राजन जी ने इसको गाया है। क्या गाया है? अरे चलता डगरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, करनी न धरनी तबेरा पपड़नी, बाड़ा रे कठिन बारे पार कैल बैतरानी। इसको भी हम लोग पारे कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ गा रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग पार कर रहे हैं कि अच्छाई करें। करनी न धरनी तबेरा पे पड़नी, बाड़ा रे कठिन बारे पार कैल बैतरानी, बीच दरिया बा
दरिया में नहीं खेनाओ रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। यही सब भजन है ऐसे तो आज बैठे तेरी आज पे, तो कुछ सोचे कि गुनगुना लेते हैं, जो अपना माटी है भोजपुरी, अपना यही माटी है, यही पहचान है, यही भजन है। अद्भुत, मतलब लाजवाब। ये बताइए मुझे, संगीत जगत में आप जो हैं कितने साल से हैं इस लाइन में? हम देखिए बचपन से गायकी है, बचपने से शौक था, स्कूल में गाते थे, बचपने से शौक था हम गायकी करेंगे, घर से भी सपोर्ट रहा कि हाँ पहले गाते थे बहुत, तो लोग बोलता था कि गाएगा गीत एक दिन गाएगा, तो ऐसे गांव में जाते थे तो सोहर ओहर जैसे भजन वजन, अभी भजन गा रहे हैं इसी तरह से भजन भी गाते थे अपने गाँव में जाके, ज़्यादा भजने गाते थे। मेरी माँ बोली कि तुम भी ऐसे टीवी में कब आओगे, हमने बोला कि माँ इसके लिए स्टूडियो जाना होता है, स्टूडियो में गाना गाया जाता है तब हम लोग इस टीवी पाते हैं। तो 2017 में हमने एल्बम गाया, एल्बम मतलब गाते आए 100-200-400 गाना गाए, कुछ गाना उसमें से चला, पहले हम लोग के यहाँ एक कॉपीराइट का खुद अपना चैनल था तो स्ट्राइक लगने के कारण से वो चैनल डिलीट हो गया, वहाँ से मुकाम हासिल नहीं मतलब नहीं हुआ, तो यहाँ पाए बादल सर के पास जो कि बीजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यहाँ से रितेश पांडे ने बहुत सारा गाना किया है, सर का हमेशा हाथ रहता है हम लोग के ऊपर। बस यही हमको लगता है कि 4-5 साल से इस लाइन में हैं, प्रयास जारी है, चल ही रहा है। एक हिंदी गाने, हिंदी गाना ऐसे तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिल बड़ी है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिल जवा है हंसी है, ऐसे बहुत सारा गीत है। अद्भुत है, ये भी अद्भुत, बहुत आकर्षक आपकी आवाज में मुझे लगता है जादू है, बाकी दर्शक कमेंट आजकल मतलब लोग कहाँ आवाज देखते हैं, आजकल तो अश्लीलता की जो है क्रेज ज्यादा बना है, आवाज हो या ना हो अब हमको नहीं लगता कि मेरा आवाज कैसा है, लेकिन आप बता सकते हैं और दर्शक बताएंगे कैसा आवाज है। बस यही जारी है, अपना प्रयास जारी है, अब आप लोग हैं इसके आगे। अच्छा ये बताइए जैसे अभी एक हिंदी गाया आपने, कोई भक्ति लाइन में भी आप गाना गाते हैं क्या? भक्ति टाइप बहुत सारा भक्ति भी गाना है एक दर्शक के लिए। मैया शरण में तोहरा बिनती सुनावतानी, मैया शरण में तोहरा बिनती सुनावतानी, अढ़ऊल के दूगो फुलावा पौआ पौ चढ़ावतानी, मैया शरण में तोहरा बिनती सुनावतानी। अच्छा आज तक का जो सफर रहा, मान लीजिए आप 4-5 साल से इस लाइन में हैं, 4-5 साल के इस दौर में ऐसी कौन सी वो घड़ी रही जिस समय आपको इतना डिमोटिवेट होना पड़ा या आप हिम्मत हार चुके थे कि हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, या फिर आज भी जो है आप कितना मेहनत करते हैं इस लाइन में सफलता पाने के लिए? अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो में रहते हैं, तो हम शुरू से चूँकि हर एक जितना स्टूडियो का काम है टोटल जानकारी है, गाना मिक्सिंग करना जैसे जो इसमें है म्यूजिक, मतलब म्यूजिक से लेकर हर एक चीज़ करते हैं, तो अभी तक स्ट्रगल कर ही रहे हैं, अब जनता जाने। अच्छा, वास्तव में आपका घर कहाँ है बिहार? मेरा घर है पश्चिमी चंपारण बगहा एक में। अच्छा, उधर वाल्मीकि नगर में। अच्छा, वहाँ से आप प्रॉपर पटना में रहते हैं? जी। अच्छा, आप चाहते तो वहाँ भी कर सकते थे इस चीज़ को, तो लेकिन पटना को आपने क्यों पसंद किया? हमने देखा कि देखिए कहा गया है कि जहाँ जो माहौल है वहीं पे रहना उचित है, अगर हम संगीत कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको लगता है कि
मीठापुर में अभी हम लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा स्टूडियो, बहुत सारे सिंगर यहीं से हैं, तो जिस माहौल में रहिएगा वहीं बेटर है ऐसा। अच्छा, यहाँ इस स्टूडियो में जो है कौन कौन से कलाकार आ चुके हैं अभी? अभी इंदु मैम आ चुकी हैं, अक्षरा सिंह भी आ चुकी हैं इस स्टूडियो में, और रितेश पांडे, मतलब न्यू वाले जो अभी न्यू वाले तो ओपन हुआ है जो हमारा वहाँ रोड के पास है एक, यहाँ पे तीन स्टूडियो है हम लोग का, जो बादल सर है उनका तीन स्टूडियो है गोला रोड में, और मीठापुर में दो स्टूडियो है, तो यहीं रितेश पांडे भी आए हुए हैं उस स्टूडियो में, बहुत सारा लोग आए हैं इस स्टूडियो में। कहीं ना कहीं प्रयास जारी है, कुछ कर जाने का जुनून अंदर बना हुआ है। हाँ, तभी तो कर रहे हैं, सोचते हैं कि हमारा भी एक दिन टाइम आएगा, सोचते हैं, लेकिन पता नहीं, भगवान की ऊपर वाली कृपा और जनता इनकी कृपा। इनकी आवाज़ में वो जादू है वास्तव में, हमने सुना और आपने भी सुना। अगर आपने सुना तो वास्तव में कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा इनकी आवाज़ कैसी लगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, सिर्फ एक गाना इनसे सुनेंगे, और वो हिंदी भी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, कोई भी गाना होगा उसको सुनेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। तो एक गाना लास्ट दस गीत है बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही आज हमको सिखाने लगे हैं, बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही आज हमको सिखाने लगे हैं, मोहब्बत तो करना हमने सिखाया, मोहब्बत का मतलब बताने लगे हैं, बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही आज हमको सिखाने लगे हैं। बस अद्भुत, नीलकमल भी बहुत अच्छा लगा। नीलकमल, हाँ नीलकमल भैया गाए हैं इस गीत को, बहुत अच्छा उनका हम गीत, ये नीलकमल जी, नीलकमल भैया हो गए, उनका गीत हम बहुत सारा सुनते हैं और अच्छा भी लगता है हमको। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस संगीत जगत के बारे में और अपने बारे में, और बहुत लोगों के जो सपने होते हैं संगीत जगत में जाना, और उनके जो सपने हैं ना सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं कभी अनुकूल होती हैं कभी प्रतिकूल होती हैं, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं ना तो उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है अपनी राह से भटक भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि अच्छा से अपना जो चल रहा है समय को चलने दीजिए, जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। बहुत लोग मतलब कहावत कहता है कि समुंदर में ठोपे ठोपे पानी भरी तब एक दिन, मतलब तालाब में, समुंदर का तो कोई अंत नहीं है, तालाब में एक दिन पानी भरी तो ऊपर अबे करी, तो एक दिन ना एक दिन हम लोग का भी टाइम आएगा, यही मन में लेके चलते हैं और आशा रखते हैं कि एक दिन ना समय से पहले कुछ मिला है और ना मिलेगा, तो बस समय का इंतजार है। चलिए, तो आज की वार्तालाप कैसी लगी, इनकी आवाज़ कैसी लगी, आखिर आवाज़ में मुझे तो जादू लगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।